वेलकम बैक टू माई चैनल और आई एम टू एक्साइटेड टूडे बिकॉज आज मेरे कज़न्स आ रहे हैं काफ़ी टाइम बाद बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है मेरे को वो अटेंड करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी हाँ। इसके बाद अब हम आ गए अपनी क्लास आज हाँ ज़्यादा बच्चे आए नहीं थे क्योंकि मतलब मोस्टली हो है फ्राइडे तक आते आते ना बच्चे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं ये मेरा भाई ट्यूशन आने के लिए बैठा होता है नीचे हमारे घर के पास के स्ट्रीट डॉग्स हैं तो ये ना बहुत ज़्यादा स्वीट हैं ये किसी वजह से काटते वाटते नहीं यार ये है मेरे कज़ंस जो कि आ चुके थे और मैं इनसे शाम में ही मिली थी क्योंकि हमें उससे टाइम आई थी और नेक्स्ट डे थी शिवरात्रि तो हम लोग मंदिर गए थे शाम में क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो सुबह हम जल चढ़ा के आ गए थे बट शाम में हम यह था कि प्रॉपर एक बार पूजा करके आए तो मैं और ये मेरी बहन है तो हम लोग गए थे पूजा करने और फन फैक्ट मैंने यहाँ पे ना पूजा करते करते ध्यान ही नहीं दिया जैसे आगे बढ़ के वो चढ़ाते हैं ना फूल वगैरह भगवान जी पे शिवलिंग पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया वहाँ पे ना दिए जल रहे थे बहुत सारे और जैसे मैं आगे को झुकी ना वो चढ़ाने के लिए चढ़ावा और मेरे बाल जल गए मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जल रहे बट हाँ काफ़ी हद तक जल गए उसके बाद मेरी बहन को मैं लेके गई स्कॉन क्योंकि वो कभी गई नहीं थी और वो पहले भी मतलब यहाँ पर आई है बट इतना ज़्यादा नहीं रुकी है वो तो इसलिए उसने स्कॉन ने देखा था फिर हमने लगाई परिक्रमा क्योंकि स्कॉन में जाओ और परिक्रमा ना लगाओ तो फिर अच्छा सा नहीं लगता अधूरा अधूरा लगता है कुछ तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की बात है ये हम जा रहे थे नोएडा मेरी मौसी के घर मेरी मतलब सबसे छोटी मौसी रहती है यहाँ मेरे भाई बहन मुझे नहीं पता किस बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे पता नहीं किसी बात पर इनकी बहस हो गई थी थोड़ी और, मतलब ऐसे मस्ती मस्ती में फिर लोग अपने मस्ती में लग के उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे और साथ में हम अपने दो कज़न्स को भी लेके आ गए थे क्योंकि वो उनके ऑफ थे भी उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और नहीं तो अभी स्कूल नहीं था तो फिर ये थे वो दोनों तो हम गए ताकि एक दिन के लिए ये भी आ रहे हैं थोड़ा चेंज रहेगा और काफ़ी मज़ा आता है जब हम सारे मिलते हैं तो शाम में हम गए कुछ खाने पीने क्योंकि यहाँ से इनको कुछ खाना था जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब यहाँ का स्ट्रीट फूड और शाम में ये था व्यू कभी कभी तो यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर होता है और मेरे को मतलब हमेशा ही रिकॉर्ड करना होता है या तो क्लाउथ के पिक्चर्स या टाइम लैप्स बना लेती हूँ उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए क्लास और ये हमारा ब्रेकफास्ट आज हम ब्रेकफास्ट में भोग खा रहे हैं क्योंकि सुबह हम दोनों कुछ खा के आते नहीं हैं और दो हमारी क्लास बहुत लेट होती है मतलब दोपहर में होती है उसके बाद भी मतलब ऐसा होता है ना कि सुबह 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 कुछ खाया नहीं जाता तो हम लोग दोनों का ये है कि हम मोस्टली ब्रेकफास्ट करके आते नहीं हैं तो मैं रास्ते में जो मिलता है वो खा लेते हैं फिर हमने गाड़ी लगाई पार्किंग में पहले तो माही ने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी और ये भी हमारी क्लास से काफ़ी दूर है मतलब बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर पार्किंग नहीं होती है आस पास बट फिर माही को ऐसा लगा कि हम थोड़ा आगे है ना तो वहाँ पर एक और जगह खा ली थी जो थोड़ा पास थी तो मैंने इसको बोल दिया कि तूने काम कर आगे गाड़ी लगा दी तो ये बेचारी फिर, फिर गाड़ी लेके आई और इसने जो आगे फ्री पार्किंग थी मतलब फ्री एजिंग की वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी तो फिर ये है वो पार्किंग यहाँ पर हमने गाड़ी लगा वैसे ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं और आज मेरी क्लास में बहुत ही कम बच्चे थे मतलब मुझे लगता है इस दिन चार पाँच छः बच्चे आए थे क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी उस दिन तो बच्चे प्रेफर करते नहीं हैं जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास होते हैं मेरे ग्रुप में सिर्फ मतलब मैं और माँ ही थे और उसके अलावा कोई नहीं था और ये है हमारा एग्जाम मतलब मैम ने ऐसे रिविजन के लिए हमें टेस्ट दिए थे जिसमें कि मेरे स्कोर काफ़ी ठीक आए थे मतलब कंपेरेटिवली और मतलब वैसे मैम ना असाइनमेंट्स हमें देती रहती हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट हो होते हैं और यहाँ पर हम तीनों बैठ के पता नहीं क्या वादे कर रहे थे चारों मतलब और सबका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था कि एक्स्ट्रा क्लास क्यों दी थी मैम ने वैसे ही हमारी इतनी ज़्यादा क्लासेस रहती हैं तो बहुत ज़्यादा ना एक्टिव रहता है ऐसे डेली डेली क्लासेस आना और उसके बाद हम आ गए घर शाम में शाम तो नहीं मतलब थोड़ा उस दिन एक्स्ट्रा क्लास थी तो थोड़ा जल्दी घर आ गई थी मैं और आकर फिर शाम में हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे कज़न्स के साथ मैं बिज़ी थी इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में